जिले में लगातार होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और आने वाली बरसात के मौसम के मद्देनजर रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प विभिन्न सड़क मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं और इसी क्रम में कलेक्टर मनोज पुष्प ने रीवा से सहडोल मार्ग का पीडब्ल्यूडी एमपीआरडीसी की टीम के साथ विभिन्न जगहों पर सड़क का निरीक्षण संबंधित विभागों की टीम के साथ किया, जहां सिलपरा पुल पर होने वाले सीपेज का निरीक्षण किया और समीक्षा करने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि ऐसे कई मोड़ हैं जिनमें हादसों का खतरा अधिक बना रहता है, उन्हें चिन्हित कर रेलिंग सुधार और रोड साइन रेडियम आदि लगाने की आवश्यक निर्देश दिए हैं, जिससे कि सड़क हादसों में कमी आ सके। वहीं सड़क में बने गड्ढों को भरने के साथ साथ घाटी में क्रॉस और विभिन्न प्रकार के प्रतीक चिन्ह लगाने के निर्देश भी दिए हैं। आपको सुनाते हैं कलेक्टर मनोज पुष्प ने क्या कहा। सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए हम लोग लगातार विभिन्न रोड्स का निरीक्षण कर रहे हैं। आज इसी क्रम में रीवा से शहडोल में रीवा जिले की सीमा तक का जो रोड है उसका मैंने SP साहब के साथ और पूरी MPRDC और PWD की टीम के साथ निरीक्षण किया है। इसमें विभिन्न स्थलों पर जो इशूज आ रहे हैं उनका अवलोकन किया गया और उनमें जो जो विभाग सम्मिलित हैं जिनकी भूमिका है उनके साथ इसका निरीक्षण किया गया। सिलपरा पुल के इशू को देखा गया है, वहाँ पे जो सीपेज हो रहा है और किस तरीके से उसको मेंटेन किया जाए इसको लेकर के भी हाइडल प्रोजेक्ट के साथ और MPRDC के साथ उसकी समीक्षा की गई है और उसको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे जो रोड है उस रोड में ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि S टाइप का मोड़ है और जिस पे एक्सीडेंट की संभावनाएं रहती हैं, तो उसको रेलिंग को ठीक करने के लिए और रोड साइनेजेज कैट आईज और रेडियम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आगे जो इलाका है उसमें लगभग 22वें किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर बहुत ही गड्ढे हो गए हैं, उस गड्ढे को सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। जो घाटी है उस घाटी में कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे कि क्रॉस बार्स नहीं लगे हुए हैं, वो लगाना भी है और उसको ठीक भी करना है, साइनेजेस लगाने हैं और कैटाइज और सिरेडियम बड़ी मात्रा में लगाना है ताकि रात के समय किसी भी तरह के एक्सीडेंट की संभावना ही नहीं रहा। पूरे रोड में शोल्डर ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं और साइनेजेस ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। ये काम तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बरसात के समय किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हो।